दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। इस साल बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिले, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है कंगना रनौत का। वो कंगना रनौत जो कहती हैं कि 1947 में हमें भीख के अंदर आज़ादी मिली, असली आज़ादी से 2014 मिली जब मोदी जी आए थे। बहुत बढ़िया साहब, अब हमें तो पता नहीं था कि हम भिखारी हैं इस देश के अंदर। जब से पैदा हुए थे से भिखारियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे और हम गुलाम देश में थे, हमें पता नहीं था। कंगना रनौत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया। सोनू सूद जो कि इस जिससे सरकार बहुत खार खाती है, बीजेपी की सरकार, इसलिए कि जो उन्होंने नाम अपना अर्न किया है, कमाया है, और जो मदद गरीबों की उन्होंने की है वो भारत सरकार भी नहीं कर पाई है देखा जाए तो। और उसकी बात से यही मोदी सरकार को चिढ़ है कि इसको कैसे क्रेडिट मिल रहा है। और जब उनसे पूछा गया, सोनू सूद से, भी तुम्हें पद्मश्री नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार सोनू सूद से मुझे लगता है कि वो नफरत करती है कि इनको क्रेडिट कैसे मिलता है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जो भी क्रेडिट इस देश में मिलना चाहिए वो मोदी जी को मिलना चाहिए, उनकी सरकार को मिलना चाहिए, बाकी किसी का कोई अधिकार ही नहीं है कि उनको कुछ ऐसा, क्या कहते हैं, कि उनको क्रेडिट मिल जाए। एक ही व्यक्ति को क्रेडिट मिलना चाहिए इस देश में, हुज सोनू सूद, उसका हस्ती क्या है। लेकिन सोनू सूद गॉड सेंड, एक दूत है, राजदूत है, देवदूत है, गरीबों की मदद कर रहा है। और सरकार ने तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड भी करवा दी। भाई तेरी हिम्मत कैसे बढ़ेगी, तू गरीबों की मदद कर रहा है, ये तो हमारा हक है। दरअसल विंडिक्टिवनेस इतनी ज़्यादा भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि मैं बता नहीं सकता। हार्ड कोर हैं, रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये वही हैं जो कभी सोवियत संघ के अंदर या जर्मनी के अंदर लोग होते थे, उसी से मिलते जुलते लोग हैं ये, और कुछ नहीं है। धन्यवाद।